जाने तो दे, मतलब जाने दे, पागल हो, जाने दे, अभी इतना भी नहीं हो रहा है, मैं हमेशा मीडिया में आता हूं। अरे यार यहां यहां खड़े करो, आ जाओ आ जाओ जी इधर मैडम। अरे आगे मत जाइए तो छोड़े, मतलब तुम लोग मार डालोगे। अरे मत मार, नहीं नहीं कितना कुछ बदल गया अच्छे के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं बिग बॉस से निकलूँ और कंटिन्यूसली काम करती रहूँ, चाहे वो इवेंट्स हों, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे कैमियो करना हो या फिर किसी में भी अपीयरेंस करना हो, म्यूज़िक वीडियोज़ हों, तो मैं लगातार अभी मेरे सब अभी दोजक का लॉन्चिंग है, उसके बाद हमारे कुछ और भी म्यूजिक बहुत, इसके बाद फुल रोमांस वीडियो है, तो बहुत खुशी हो। मेरा भी ये है कि हमेशा जब भी हम लोग काम करें, वी आर बेस्टीज ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज, अर्शी जिस भी वीडियो में आए वो एकदम अलग लगे पहले वाले से। जो वो ज़रूरी है क्योंकि आपने हमेशा मुझे 90s में देखा है या फिर कुछ अलग लुक में देखा है, तो अभी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आदित्य के साथ ये दूसरा वीडियो है आपका, लाइक यू गाइस आर गुड फ्रेंड, कैसी केमिस्ट्री होती है सेट पे जब आप वीडियो करते हैं उसके बाद? ये इसका सिर्फ हमेशा एक ही चीज़ है, मैं जब भी इसके सामने खड़ी होती हूँ उसका कहना है मुंह बंद। इसका हमेशा ऑन शूट एक ही चीज़ चलती है, बिकॉज मैं हमेशा से ऐसे पोजेस, इसका हमेशा कहना है कि मुंह बंद। बट दोजक में आप जब अर्शी को देखेंगे, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर अर्शी एज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड यू गाइज डोंट नो शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, वो एक करेक्टर के स्किन में घुस जाती हैं। दोजक में शी इज प्लेइंग अ क्वीन एंड अ गॉथिक क्वीन, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जिन लोगों ने देखा है पीपल आर रिलेटिंग इट टू लिटिल गेम्स ऑफ थ्रोन्स, हम आज प्रोमो ही रिलीज कर रहे हैं, वीडियो वी आर सपोज टू शूट, देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोमो है। वैसे हर इंसान अपने काम की तारीफ करता है, मैं तारीफ नहीं करूँगी, मेरी आवाम तारीफ करेगी। एब्सोल्युटली, आदित्य ने बताया कि वीडियो इल्यूमिनाटी में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर बिलीव करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। देखिए अभी जैसे कि मैंने अपने सीरियल में देखा होगा कि मैंने एक नेगेटिव रोल किया था नयनतारा का, तो एज एन आर्टिस्ट आपको सब कुछ करना पड़ता है, और चाहे वो इल्यूमिनाटी हो, चाहे एक संस्कारी बहू हो, नेक्स्ट हमारा रोमांटिक होने वाला हो, सब आपको करना पड़ेगा, चाहे आप वो आप क्योंकि आप एक अदाकार हैं, हाँ, आप एक्ट्रेस हैं और आप एक्टर हैं, आपको वो हर चीज़ दिखानी पड़ेगी दुनिया को। एक ही चीज़ नहीं कर सकते कि कैरेक्टर में नहीं जा सकते कि संस्कारी बहू बन के आरती उतारना और साड़ी पहनना, ये सब नहीं कर सकते। इस दोजक में तो रोमांस भी नहीं है बिल्कुल, एंड इट्स अ वेरी इंटेंस स्टोरी, रिलेशनशिप, दोस्ती एक वॉरियर की और एक क्वीन की। मतलब चलो मैं बता देता हूँ, एक वॉरियर जो क्वीन को मारने जा रहा है, बट दैट इल्यूमिनाटी कनेक्शन, ही सरेंडर्स एंड क्वींस वॉक्स अवे। एंड जब आप इसका पूरा वीडियो देखेंगे, दैट्स गोना बी क्रेजी, बिकॉज पीपल आर टोटली लविंग दिस प्रोमो, एब्सोल्युटली। अर्शी आपसे पूछना चाहेंगे, आप बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी है, वहाँ पे इतना टाइम बिताया है आपने, इस बार का बिग बॉस फॉलो कर रही है और किस तरीके से कौन-कौन से मैं अगर बिग बॉस देख भी रही हूँ तो मैं सिर्फ वीकेंड का वार देख रही हूँ, वो भी सलमान साहब की वजह से। बाकी मैंने इससे पहले भी एक चीज़ बोली है कि बिग बॉस 11 में जो हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं की, और अभी भी मौका है, उन्हें खेलना चाहिए और बेस्ट टू बेस्ट देना चाहिए। ठीक है वो मेरे लेवल तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन खेल लें। जी वहाँ पर कोई भी अर्शी खान नहीं है, अर्शी खान की जगह कोई नहीं ले सकता बिल्कुल। अर्शी खान सिर्फ एक है, एक ही शख्सियत है, एक ही नाम है, एक ही इंसान है और एक ही रहेगा। आप विकी का वार देखते हो, लेकिन आपको स्पेशल जी खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कौन सा सदस्य इस बार बिग बॉस 12 में? मुझे बिग बॉस 12 में अगर देखा जाए तो पूरा अगर मैंने देखा तो मुझे श्रीसंत बहुत सही लगे, बिकॉज वो सही खेल रहे हैं,
जो है वो है सबके सामने खेल है, वो फेक नहीं है, उनकी लड़ाइयाँ भी बिल्कुल सही है, उनका बोलना भी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज़ गए हैं वो थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं, कॉपी जितने भी लोग हैं वो कॉपी कर रहे हैं कि मैं इसको कॉपी कर लूँ, मैं उसको कॉपी कर लूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिग बॉस वो जगह है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी शख्सियत बता सकते हैं, ना कि दूसरे के अडेप्ट करें। मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर की है कि शिल्पा शिंदे अगर उस शो की विनर बनी है तो उन्होंने रोटी के साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत दिया है शो को, और ये सच बात है। मैं उनके साथ सबसे ज़्यादा रही हूँ कि उन्होंने अगर रोटियाँ बेली भी है लेकिन उसके साथ उन्होंने जो आड़े बेलन मारा भी है और जो आँखें निकाली हैं उनका जो मतलब एक ह्यूमर है वो बेस्ट। मैं उन दोनों को जानती ही नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मैं उसके बारे में भी नहीं जानती। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है, देखिए आशी खान क्या वो फिर हर सेलिब्रिटी हर अदाकारा साथ में होगी, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन अगर गलत नहीं हुआ है तो हम नाना साहब के साथ हैं बिल्कुल। वो तो बट जब तक हम मुद्दे तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक हमें पता नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते, तो हम नाना पाटेकर साहब को भी गलत नहीं कह सकते और हम तनुश्री मैडम को भी सही गलत नहीं कह सकते। आशी खान तुरुप का इक्का है, वो बाद में खेला जाएगा। अरे रुक जा रहे भाई, विजुअल मारे पूरा पूरा दिन बाइट कर, अरे क्या कर रहा है, मैं पूरा लाइक आ रहा है, सोलो भी करने का। थैंक यू सोलो। अरे अमर और अंदर चला जा, अमर तू बड़ा कैमरा मैन है, आगे जा। Look here. Look here, this. I'm here. Send up. Ashram, look here. Either man. Thank you. Thank you. Ashram, stand up.